हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 9th के लिए। आज उसी का हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम। मतलब कि अगर किसी स्फीयर का जो रेडियस है वो आप डबल कर दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr की क्यूब होता है, मैंने यहाँ क्यूब लगाना भूल गया था, ठीक है, 4/3 πr की क्यूब। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको सिंपली r की जगह 2r पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, 4/3 πr, r की जगह क्या पुट करोगे, 2r की क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, 4/3 πr, ये क्या हो जाएगा, 2^3 और r की पावर 3। तो 4/3 πr, 2^3 क्या हो जाएगा, 8, r की पावर 3, यानी कि ये 8 टाइम्स हो जाएगा आपका 4/3 πr की क्यूब। यानी कि जो आपका सिंपल रेडियस r से जो स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है उसका 8 गुना हो जाएगा, सिर्फ आप अगर रेडियस को 2r कर देंगे तो। 2r मतलब अगर आप डायमीटर से निकाल रहे हो तो ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो 32/3 πr की क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/32/3 4πr की क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 6 cm टू 12 cm। एक हेमिस्फेरिकल बैलून है आपके पास जिसका जो डायमीटर है यानी कि रेडियस है वो 6 cm है, फिर आप उसमें हवा पंप करते हैं यानी एयर फिल करते हैं उसमें किसी पंप के द्वारा, तो उसका जो रेडियस है वो 12 cm हो जाता है। तो आपको रेशियो बताना सरफेस एरिया में, सरफेस एरियाज का क्या रेशियो आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार आपको 6 के लिए निकालना है, आपकी रेडियस जो है वो 6 है, और एक बार आपको 12 के लिए निकालना और फॉर्मूले में पुट कर उसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व नहीं करना है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr². तो सबसे पहले 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 3πr² यानी कि 6² हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 6² हो जाएगा अगर आप r की जगह 6 पुट करते हो, ठीक है। अब 12 के लिए रेशियो निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12 के लिए कर देता हूँ, 3π 12 का स्क्वायर। अब देखिए मैं क्यों मना कर रहा था, यहाँ पर देखिए ये सेम टर्म बननी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर देखिए अगर आप इसे 6/12 को ऐसे होल स्क्वायर ले लें तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4। तो आपके रेशियो क्या हो गए, 1:4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मना कर रहा था कि आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 cm², द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है सर। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको क्यूब का, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ पर मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक क्यूब बनाया, अब देखिए यहाँ पर कितनी साइड है, 6, 1, 2, आप इन्हें फेस कह सकते हो, 3, 4, 5, 6। तो टोटल के केस में क्या है, आपका बेस और टॉप दोनों ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6a² होगा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6a। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ठीक है, इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 96 a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 96 डिवाइडेड बाय 6। मैं इसे सबसे पहले इसे मिटो देता हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे 6 से काटोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 वन जा 6 इधर, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, a का स्क्वायर इक्वल टू 16। और a क्या आ जाएगा आपके पास, a क्या होता है आपके, साइड होती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी कि a इक्वल टू हो गया आपके पास, a इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है क्यूब की, a की क्यूब, a की क्यूब आपकी वॉल्यूम होती है। तो a की क्यूब कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा 4 की क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 जा 16, 16 4 जा 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्यूब दी हो या फिर आपको क्यूब की वॉल्यूम दी हो या फिर आपको क्यूब का सरफेस एरिया दिया हो, तो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है उसकी A यानी एज। ठीक है, उसके बाद आप दोनों फॉर्मूलेज में पुट कर आप अपना आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इनटू इन अ रूम ऑफ डायमेंशन, यानी कि एक रूम की आपको डायमेंशन दिए, सपोज एल आपको दिए 10 मीटर दिया है, और बी भी आपको 10 मीटर दिया है, और हाइट आपको 5 मीटर दिए, ये मैंने मान लिया क्योंकि यहाँ पर दी हुई है किसी रूम की डायमेंशन आपको दी हुई है। अब उसमें पूछा है कि उसकी लॉन्गेस्ट पोल क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये आपका एक कोई भी क्यूब है या फिर क्यूबॉइड कह सकते हैं आप, क्यूबॉइड है ये। ठीक है, तो इसकी आपको लॉन्गेस्ट लेंथ पूछिए कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी, इस कोने से ये पीछे वाला कोना आपका लॉन्गेस्ट लेंथ होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका डायगनल होता है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है इसको निकालने का, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इस डायगोनल को निकालने के लिए। तो रख देते हैं इसमें वैल्यूज, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर, एक और 10 का स्क्वायर, एक और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट में 100 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 225 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस अंडर रूट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे 225 को आप इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका 15 ही आएगा, 5 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, 5 4 जा 25 और 5 5 जा 25, तो इसे भी मैं 5 से करता हूँ, 5 9 जा, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये देखिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 इक्वल्स टू 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ कॉन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट उसकी जो है वो है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू, जो उसका रेडियस है वो है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस कोन को मेल्ट कर देते हो, पिघला देते हो और इसे दोबारा से रिफॉर्म करते हो, दोबारा से बनाते हो, तो ये एक स्फेयर बन जाता है। ठीक है, तो आपको उस स्फेयर की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है क्या होगी।
तो देखिए जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही आपका कोन का वॉल्यूम होगा, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1/3 πr² h, इसको रख देते हैं हम 1/3 πr² h। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भी 4/3 πr³। ठीक है, अब ये देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये वाले 3 से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, एच बचा जिसकी वैल्यू 8.4, यहाँ पर बचा 4r। ठीक है, 4 को आप इधर लेके जाओगे तो r आपका फाइंड आउट हो जाएगा 8.4 / 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2.1, r = 2.1। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास रेडियस, रेडियस आपका आ गया 2.1। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, जब किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती, जैसे कि कोन को पिघलाकर इस क्वेश्चन में स्फीयर बनाया गया, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों के वॉल्यूम, जिसको पिघलाया गया और जिसको पिघलाकर बनाया गया, दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों के फॉर्मूले पुट करे वॉल्यूम्स के, यहाँ पर, और फिर जो हमारी सिमिलर चीज थी वो हमने कट कर दी, और इसके बाद हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर कहा है द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्टोर इन अ पिट। कोई आपको पिट दिया है, उसकी आपको डायमेंशन दिए 16 मीटर, 12 मीटर और 4 मीटर। तो इसमें इस वाली डायमेंशंस वाले एरिया में आपका कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या होंगे स्टोर कर सकते हैं आप, तो इसमें नंबर्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, पिट की वॉल्यूम। तो पिट की वॉल्यूम हो जाएगी आपके पास, पिट ये नीचे वाला है यानी कि 16 मीटर आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है 12 मीटर × 4 मीटर। ठीक है, मीटर्स में है ये, तो इसे आप सेंटीमीटर में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1600 + 1200 m + 400 m। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 6, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास आ जाएगा पिट का वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब आपको निकालना प्लैंक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स क्या आ जाएगा आपके पास 4 मीटर है, यहाँ पर देखिए 4 मीटर है, इसे आप सेंटीमीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा ये आपके पास 400 × वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम 50 सेंटीमीटर, बाकी आपके सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो इन्हें आप चेंज नहीं करोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1, 2, 3, ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में बदल लिया था। अब नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 7, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये देखिए 50 से ये वाली 50 कैंसिल हो गई और ये बचा 4, अब 4 से इसे आप काटोगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 3 इधर चला गया, 4 9 जा 4 2 जा और 1 0 की 0, 920 आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ सिलेंडर द रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, यानी कि कोई सिलेंडर है जिसकी हम रेडियस हाफ कर देते हैं और उसकी हाइट
सॉरी रेडियस डबल कर देते हैं और हाइट हाफ कर देते हैं, द कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर की जगह हम पुट कर देते हैं टू आर, ठीक है, आर की जगह पुट कर देते हैं 2R और H की जगह पुट कर देते हैं h/2। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हाफ करना है हाइट को और रेडियस को डबल करना है। अब ये वैल्यूज आप इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2π, R की जगह क्या रखना है आपको 2R और H की जगह क्या रखना है आपको h/2, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, 2πRh, यानी कि आपका ये सेम आ गया इसके, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही आपका रिजल्ट आएगा जो कि पहले था, अगर आप रेडियस को डबल कर दें और हाइट को हाफ कर दें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, ठीक है। अभी देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था TSA, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या था कि आप जो आपका टॉप होता था और आपका बेस होता था उसको भी क्या करते थे, इंक्लूड करते थे। पर लेटरल सरफेस एरिया के केस में आप टॉप और बॉटम को यानी कि बेस को इंक्लूड नहीं करते, फिर आपके पास क्यूब है, जैसे कि मैं क्यूब बना लेता हूँ एक, ये आपके पास क्यूब है, ओके, तो आप क्या करेंगे, ये वाला बेस और ये वाला टॉप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास कितनी साइड बची, 4 साइड बची हैं आपके पास, 1, 2, 3 और 4, 4 साइड बची, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, 4a² हो जाएगा, ठीक है। अब 4a² आपको दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा 256, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4a² = 256, आपको सिंपली क्या निकालना है, a की वैल्यू ही तो निकालनी है, 4 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, 256 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 4 8 जा 4 6 जा 24 4 4 जा, ठीक है, a आ जाएगा आपके पास 8, क्योंकि a² आपका 64 आ गया, जब आप स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, a आ जाएगा आपके पास 8। अब आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, a की क्यूब, तो a की क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 8 जा 64 64 8 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 3, 8 6 जा 54 and 3 57, सॉरी 8 4 जा 32 2 3, 8 6 जा 48 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 51, ठीक है, तो आ जाएगा ये आपका 512 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लाइंट हाइट इज height = 2l इज, ठीक है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, जब आपकी जो रेडियस है हाफ कर दी जाए और स्लांट हाइट बढ़ा दी जाए यानी कि डबल कर दी जाए। तो यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, πr r + l होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, आर की जगह आपको रखना है r/2, एच की जगह आपको रखना है 2l, सॉरी एल की जगह स्लाइंट हाइट, एल की जगह आपको रखना है 2l, तो रखते हैं इसमें पाई ऐसा ही रहेगा, आर क्या हो जाएगा r/2, एल क्या हो जाएगा 2l और आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा r/2। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास πr/2, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास 4l + r/2, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए
ये आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर, इस 2 को अंदर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 4L/4 और ये हो जाएगा R/4, ठीक है, ये गया 4 से 4, तो आपके पास आंसर क्या आया, पाई आर एल प्लस आर बाय 4 आपका आंसर आ गया, तो आपका बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपको 2 सिलेंडर्स की रेडियस का रेशियो दिया है 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, तो उनकी वॉल्यूम्स में क्या रेशियो आएगा, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको रेशियो दे रखा है तो इसे आप पहले को आप मान लीजिए 2R और दूसरे को मान लीजिए 3R, तो रेडियस आपकी 2R और ये होगी 3R, हाइट आपकी होगी 5H और 3H, दोनों केसेस के लिए, दोनों सिलेंडर्स के लिए, तो आपको रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ देयर रेशियो, उन रेशियो पूछा आपके उनके वॉल्यूम का, ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पाई आर, यानी कि 2R है पहले का तो मैं 2R ले लेता हूँ, और H क्या है पहले की 5H और ये आपका स्क्वायर में आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरे का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा पाई 3R की स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3H, ठीक है, यहाँ पर 5H था यहाँ पर 3H है, ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, H से ये H गया, R यहाँ पर भी है तो R स्क्वायर से ये R स्क्वायर गया, तो आपके पास क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या आएगा आपके पास 2 2 जा 4 2 जा 20 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 3 जा 27, तो आपका बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से इन वॉल्यूम्स और एरियाज को फाइंड आउट करोगे, मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चंस की मदद से बता दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बिना ट्राई करे आपके फॉर्मूलेज याद नहीं हो पाएंगे, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।